खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं ना, पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी ने सनी देओल को मैदान में उतारा है। अब उनके पिता धर्मेंद्र अपने बेटे के प्रचार के लिए उतरे गुरदासपुर, लेकिन धर्मेंद्र कुछ ऐसा बोल गए जो कि सनी देओल के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। दरअसल अभिनेता धर्मेंद्र कांग्रेस के उम्मीदवार, जी हाँ, कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जाखड़ को लेकर हो गए भावुक। धर्मेंद्र ने कहा कि बलराम जाखड़ के लिए तो हमने चुनाव में कैंपेन किया। अब आप कहेंगे बलराम जाखड़ कौन है? बलराम जाखड़ कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जाखड़ के पिता है। धर्मेंद्र यही नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि अगर पता होता कि गुरदासपुर से हमारे दोस्त बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ सनी के सामने चुनावी मैदान में हैं, तो शायद वो अपने बेटे सनी को यहां से चुनाव ही ना लड़वाते। तो ठीक, चुनाव से पहले आखिरी चरण में पंजाब में चुनाव होना है, लेकिन धर्मेंद्र कह रहे हैं कि अगर पता होता कि कांग्रेस की तरफ से ये होंगे उम्मीदवार, तो हम अपने बेटे से कहते कि आप तो यहां से चुनाव ही मत लड़िए। तो ठीक, चुनाव से पहले जब हर नेता अपनी जीत का दावा ठोकता है, विरोधियों पर तंज कसता है, विरोधियों को निशाने पर लेता है, सनी देओल के पिता धर्मेंद्र अपने बेटे के प्रचार में कुछ ऐसा बोल गए जो कि शायद राजनीतिक तौर पर भारी पड़ सकता है बीजेपी को। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं सुनील जाखड़, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस विंडो में, कांग्रेस के ये उम्मीदवार दरअसल उनके पुराने दोस्त बलराम जाखड़ के बेटे हैं। अब बलराम जाखड़ और धर्मेंद्र की पुरानी यारी है, पुरानी दोस्ती है। धर्मेंद्र ये कह रहे हैं कि ये जो दोस्ती है ये इतनी मजबूत है कि अगर पता होता कि सनी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से सुनील जाखड़ है मैदान में, तो मैं सनी से कहता कि आप यहां से चुनाव ही मत लड़िए। बड़ा हुई मेरा बच्चा मर गई है, सच्ची गल है। उन्होंने पिताजी बलराम जाखड़ और मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बहुत प्यारे रिश्ते रहे। तो हम, मैं समझ नहीं आया कि बैसंट की करेंगे हूँ। सनी उन्होंने तो बहस नहीं सकता, इन्होंने तो तजुर्बा है, इन्होंने पिता जी भी सियासतदान सी, ये भी सियासतदान ने, असी आए हैं। महाभारत है, सारे अगे अगे खड़े सी, उन्होंने भी लड़े ना, हूँ आ गए हैं कि सानू, मैंने पता होंगे जे जाखड़ साहब का बेटा है तो मैं शायद आऊँगा भी ना। शोले में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला गाना गाते थे धर्मेंद्र अपने दोस्त के लिए। लगता है वो दोस्ती असल जिंदगी में वो जीते हैं। दरअसल धर्मेंद्र जो सुनील जाखड़ के लिए बोल रहे हैं, बलराम जाखड़ के लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने रख देगी। सुनील जाखड़ के पिता और केंद्रीय मंत्री बलराम जाखड़, जो कि आपको तस्वीर में दिख रहे हैं धर्मेंद्र के साथ, ये कुछ साल पुरानी तस्वीर है। 1991 में सीकर में चुनाव प्रचार में दोनों ने हिस्सा लिया था। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में जाखड़ राजस्थान के चुरू से चुनाव लड़े और बीजेपी उनके खिलाफ धर्मेंद्र को उतारना चाहती थी, जी हाँ, 2004 में। लेकिन धर्मेंद्र जाखड़ के खिलाफ चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि ये तो पुराने यार, पुरानी दोस्ती और यारी सबसे भारी होती है, सबसे पहले होती है। इसके बाद बीजेपी उन्हें बीकानेर ले गई। धर्मेंद्र तो बीकानेर से जीत गए, लेकिन बलराम जाखड़ चुरू से हार गए। जो त्याग दिया था धर्मेंद्र ने अपने दोस्त के लिए, वो काम नहीं आया। लेकिन धर्मेंद्र अपनी दोस्ती के पक्के हैं, इससे ये पता चल गया। चलो राजस्थान चलो, कहते कितों, मैं दसो कि जगह, उस सीट पहले ना उन्होंने चूरू तो लिया। मैं क्या इतों कौन है? कहते जी इतों बलराम जाखड़ साहब हैं। मैं कहा मैं उन्होंने प्यार है मेरा, मेरे भरा वर्ग है, मैं असी इकट्ठे बहन देते हैं सर, मैं उतों नहीं जाऊँगा। मैं उन्होंने अगेंस्ट कंपेयर भी नहीं करने गया, उतों मान गया मैं करूँगा। फिर बीकानेर सिलेक्ट होया।